नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, रणवीर सिंह ने बेचे अपने दो फ्लैट। नवंबर 6 को रणवीर सिंह ने गोरेगांव स्थित दो रेसिडेंस फ्लैट 15 करोड़ 20 लाख में बेचे हैं। ये बिल्डिंग है गोरेगांव ईस्ट में और 43 फ्लोर पे ये दो फ्लैट हैं। टोटल एरिया है 2648 स्क्वायर फीट और इसके लिए बाकायदा 91.50 लाख स्टैम्प ड्यूटी भी भरी है, जिसमें 6 पार्किंग है। ईच फ्लैट की कीमत बताई जा रही है 7.62 करोड़। रणवीर ने ये प्रॉपर्टी 2014 में अपनी माँ के साथ मिलकर खरीदी थी। पिछले साल रणवीर ने एक फ्लैट खरीदा था बैंड सैंड में, जिसकी कीमत है 119 करोड़। ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट सिंगल डील बताई जाती है और रणवीर का ये फ्लैट मौजूद है सलमान खान के गैलेक्सी और शाहरुख खान के मन्नत बंगले के बीच। ये पूरा सी फेसिंग फ्लैट है उनका और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। इस बारे में जब विस्तृत जानकारी के लिए रणवीर के पिता जुगजीत भवनानी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। अभी रणवीर ने किस मजबूरी के तहत मात्र 15 करोड़ के लिए अपने दो फ्लैट बेचे हैं, ये समझ के बाहर है। क्या वाकई उनको इतनी कड़की लग गई है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई है? वरुण धवन और डेविड धवन चौथी बार एक साथ। प्रोड्यूसर रमेश तोरानी ने डेविड धवन को साइन किया है वरुण धवन स्टारर फिल्म के लिए और इसके लिए दोनों को कम्बाइंड फीस दी गई है 40 करोड़। इससे पहले डेविड 3 बार अपने बेटे को डायरेक्ट कर चुके हैं। पहली फिल्म थी मैं तेरा हीरो जो 2014 में आई थी और वो पिक्चर तेलुगु सुपरहिट फिल्म कांदियरीगा की रीमेक थी। उसके बाद डेविड ने बनाई जुड़वा 2 जो 1997 में सलमान खान स्टारर की रीमेक थी और बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म बनी थी। और सबसे घटिया फिल्म बनाई थी डेविड ने बीवी नंबर 1 जो सलमान खान स्टारर की रीमेक थी। देखते हैं चौथी बार डेविड धवन वरुण को लेकर कोई अच्छी फिल्म बना पाते हैं या नहीं। डेविड धवन जरूर चोरी चपाटी में लगे होंगे किसी की रीमेक राइट लेने के लिए और चिपका देंगे वरुण को दर्शकों पर। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का गाना लटका इंडियन 2 के कारण। पिछले फ्राइडे गेम चेंजर का गाना जरा गंदी लॉन्च होने वाला था लेकिन अब डिले हो गया है। इसकी वजह बताई जा रही है डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने फिल्म गेम चेंजर डायरेक्ट की है और साथ ही साथ दूसरी फिल्म डायरेक्ट की है कमल हसन स्टारर इंडियन 2। और डेफिनेटली शंकर पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं इंडियन 2 को, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। अब मेकर बता रहे हैं कि गेम चेंजर का गाना इसलिए डिले किया कि फिल्म में कुछ और अच्छाई लिखी है, लेकिन फैंस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वैसे रामचरण इस फिल्म में बने हैं आईएएस ऑफिसर और उनके अपोजिट हैं कियारा आडवाणी। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर है। मिस्टर रामचरण, कमल हसन के आगे आप फिलहाल थोड़े छोटे आर्टिस्ट हैं, तो डेफिनेटली शंकर प्रमोट करेंगे कमल हसन को न कि आपको। यशराज बैनर ने शुरू की वॉर 2। डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने पिछले दिनों स्पेन में कई स्टंट सीन शूट किए ऋतिक और एनटीआर के बॉडी डबल के साथ, जो बेहद खतरनाक एक्शन सीन बताए जा रहे हैं। वैसे ये दुनिया जानती है कि जूनियर एनटीआर जो इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं अपने एक्शन खुद ही करते हैं, जैसे कि फिल्म उन्होंने आरआर में किया था। जूनियर एनटीआर वॉर 2 को ज्वाइन करेंगे जनवरी में और अप्रैल के पहले उनको इस फिल्म की शूटिंग निपटानी है, क्योंकि उसके बाद वो शुरू करेंगे प्रशांत नील की नई फिल्म एनटीआर 31। इस फिल्म में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का कैमियो रोल भी बताया जा रहा है, जैसे कि पठान में था सलमान खान का और हालिया रिलीज बेहद घटिया फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान का। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होगी मुंबई में, जहां ऋतिक रोशन पूरे 10 दिन हिस्सा लेंगे। मुंबई का एक पृष्ठभूमि में जिक्र किया गया है, इसीलिए मुंबई की शूटिंग जरूरी हो गई है। अब सीक्वल के नाम पर यशराज फिल्म टाइगर 3 जैसी कोई घटिया फिल्म नहीं चिपका दे। वैसे फिल्म वॉर के ओरिजिनल डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने सीक्वल में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि उनके मुताबिक स्टोरी ठीक नहीं बन पा रही थी। कोई कहता है कि सिद्धार्थ आनंद ने यशराज बैनर से अपनी फीस पूरे 150 करोड़ मांगी थी और आदित्य चोपड़ा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब देखते हैं वॉर 2 दर्शकों के मुताबिक एक स्पाई थ्रिलर बनती है या फिर टाइगर 3 जैसी महाघटिया फिल्म। कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी की भूल भुलैया 3 जल्द शुरू होगी। कार्तिक आर्यन ने खुद ये न्यूज शेयर की है कि नवंबर तक भूल भुलैया 3 की स्क्रिप्ट लॉक हो जाएगी और संभवतः फिल्म फरवरी 2024 में शुरू हो जाएगी। और कार्तिक आर्यन बहुत ही एक्साइटेड है अपने इस रोल के लिए। ये वही जॉनर है हॉरर कॉमेडी, लेकिन इस फिल्म में तब्बू और कियारा आडवाणी होंगे या नहीं होंगे इस बात की अभी तक कंफर्मेशन नहीं की है मेकर्स ने। अब देखते हैं सीक्वल के नाम पे जो आजकल कचरा परोसा जा रहा है उससे भूल भुलैया 3 कितनी डिफरेंट बनती है।
धनुष इलियाराजा की बायोपिक में लीजेंड कंपोजर 80 साल के इलियाराजा पर फिल्म बन रही है जिसकी बायोपिक में नजर आएंगे धनुष। इलियाराजा की दिली ख्वाहिश थी कि धनुष ही ये रोल करें। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 5 टॉप के डायरेक्टरों को फाइनल किया गया है और उसमें आर बाल्की का नाम भी है। वैसे बाकायदा पूरी स्टार कास्ट की और डायरेक्टर की घोषणा की जाएगी पोंगल के दिन और फिल्म की बाकायदा शूटिंग शुरू होगी अक्टूबर 2024 में। वैसे शॉकिंगली इलियाराजा इस फिल्म में संगीत नहीं दे रहे हैं। इंतजार रहेगा इलियाराजा की बायोपिक फिल्म का। बॉक्स ऑफिस पब्लिक ने क्यों रिजेक्ट कर दी सलमान खान और यशराज बैनर की फिल्म टाइगर 3। नंबर 1, बूढ़े हो चुके सलमान खान का लुक और पर्सनैलिटी खत्म हो चुकी है और लोग उन्हें अब देखना पसंद नहीं करते। नंबर 2, बहुत ही घटिया स्टोरी लिखी थी आदित्य चोपड़ा ने, बेसिर पैर की थी और जो स्टोरी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है इंडियन ऑडियंस उसे गद्दार मानती है, उसको गदर पसंद है गद्दार नहीं। मन्नी शर्मा का टुच्चा डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन की ABCD समझ में नहीं आती कि कैसे किया जाए। शाहरुख खान के कैमियो में कोई नवीनता नहीं थी और लोग फिल्म पठान में शाहरुख और सलमान को देख चुके थे, अब लोग एक्शन देख देख के बोर हो चुके हैं। और रितिका कैमियो जो 2.5 मिनट का था वो जबरदस्ती ठूसा गया था। एक्चुअली वो फिल्म का हिस्सा था ही नहीं, वो फिल्म वॉर 2 का प्रमोशन था जो यशराज ने उसे जबरदस्ती लास्ट में डाला। फिल्म टॉर्चर है, बोरिंग है, बिना एंटरटेनमेंट के है, म्यूजिक घटिया है, इन्हीं सब बातों से फिल्म को रिजेक्शन मिली है। वैसे फर्स्ट डे का कलेक्शन बताया जा रहा है हिंदी का 43 करोड़ और बाकी लैंग्वेज का 1.5 करोड़ यानी कि 44.50। लेकिन अब इसमें से कितनी टिकटें बैनर ने, तारों ने, कॉर्पोरेट ने, ब्रांड एंडोर्समेंट वालों ने फाड़ी हैं ये दर्शक खुद तय करें। वैसे एक बात तय है, टाइगर 3 कभी भी पठान, जवान या गदर 2 का कलेक्शन मैच नहीं कर पाएगी। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी फिल्म टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता, थैंक्स। TP अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।